नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, देश का सियासी संग्राम अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और आधे से ज़्यादा मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में देश की जनता के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि देश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, कौन हमारा नया प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि दोस्तों लोकसभा के 6 चरणों का चुनाव जो है वो सम्पन्न हो चुका है और अब मात्र केवल 1 चरण का चुनाव बचा है, जो कि अंतिम और 7वां चरण होगा, जो कि मतदान 19 मई को होगा और इसके बाद 23 मई को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नतीजे आने से पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं तथा कौन सी पार्टी का गणित क्या कह रहा है तथा सट्टा बाजार में तथा पार्टियों का क्या भाव चल रहा है, साथ ही में कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ जीत हासिल करेगी और कौन सी पार्टी की इसमें हार होगी, कौन बनेगा नया प्रधानमंत्री। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए दोस्तों देश का सबसे बड़ा और सटीक सर्वे हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इस सर्वे को पूरा देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किसको कितनी सीट कौन से राज्य में मिल रही है। दोस्तों 543 सीटों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो सारी सीटों के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज हम जो सर्वे आपको दिखाएंगे, आपको उससे पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किसके कंधों पर देश की जिम्मेदारी आएगी और दोस्तों सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं ताकि वो सत्ता में पा सकें। और दोस्तों कांटे की टक्कर तो केवल 2 ही पार्टियों के अंदर चल रही है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस में होगी। तो दोस्तों दोनों ही पार्टियों का गणित क्या कह रहा है और किसके नसीब में सत्ता होगी और कौन हार का सामना करेगा, दोस्तों पूरी गणित हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सर्वे क्या कह रहा है, तो सर्वे के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों सर्वे की बात करते हैं तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं जहां पर बीजेपी के खाते में 4 से 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के हाथ जो है आंध्र प्रदेश में खाली रहने वाले हैं। वहीं TRS के खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें जाएंगी और वहीं YRS के खाते में यहाँ पर 14 से 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश के 25 सीटों की बीजेपी को जो है ठीक ठाक सीट मिल रही है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा। और वहीं दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में दोनों सीटें जाएंगे, वहीं कांग्रेस के अरुणाचल प्रदेश में भी खाता नहीं खुलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं असम राज्य की, तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 10 से 12 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार के हिसाब से लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट और वहीं AIUDF के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट और अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं जाएगी। तो दोस्तों असम की 14 लोकसभा सीटों में भी बीजेपी जो है सबसे आगे रहने वाली है 10 से 12 सीटों के साथ, और वहीं कांग्रेस को इस राज्य में भी बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों वहीं बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 32 से 40 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 6 से 7 सीटें जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य में भी बीजेपी जो है काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, जहाँ पर 40 में से 32 से 34 सीटें अकेली बीजेपी लेकर जाएगी और कांग्रेस का बिहार राज्य में 6 से 7 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी, यानी कांग्रेस को यहाँ पर भी काफ़ी कम सीटें नसीब होंगी। और इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की, जी हाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 7 से 8 सीटें जाएंगी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं आएगी। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी जो बीजेपी जो है काफ़ी सीटें हासिल करेगी, 7 से 8 सीटें जो है बीजेपी को मिलेंगी, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 से 4 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी, यानी काफी कम सीटें यहां पर कांग्रेस को मिल रही हैं। जी हां दोस्तों, सर्वे के हिसाब से दोस्तों एक बात तो साफ हो रही है कि कांग्रेस को जो है काफी कम सीटें हर राज्य में मिल रही हैं। कोई कोई राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस को जो अच्छी खासी सीट मिल रही है, बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस को काफी कम सीटें नसीब हो रही हैं। और वहीं दोस्तों बात करते हैं गोवा राज्य की, जी हाँ दोस्तों गोवा की 2 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें जब बीजेपी के खाते में तथा 2 की 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस का गोवा के अंदर खाता भी नहीं खुलेगा, यानी कांग्रेस के हाथ में गोवा के अंदर कोई भी सीट नहीं आएगी और दोनों ही सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती नजर आ रही है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं गुजरात की, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में तथा 24 से 25 सीट जाने का अनुमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, तो बीजेपी को यहाँ पर इसका भी बड़ा फायदा मिलेगा। और वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 0 से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो शायद दोस्तों कईयों का कहना है कि कांग्रेस यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाएगी और कईयों का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट यहाँ पर
कांग्रेस जो है वो हासिल कर पाएगी गुजरात में, जबकि बीजेपी जो है यहाँ पर 24 से 25 सीटें आराम से कवर करती हुई नज़र आ रही है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं हरियाणा राज्य की। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 से 10 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट आएगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को हरियाणा राज्य में भी नाकामी हासिल हो रही है, यानी कि कोई भी सीट इसके हाथ नहीं लग रही, यहाँ पर भी बुरी हार कांग्रेस की होती हुई नज़र आ रही है। वहीं बीजेपी को जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है, यहाँ 10 की 10 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल गांधी को। आप अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 5 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 से 4 सीटें जाएंगी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर मात्र 1 सीट आती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं आएगी। यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को मात्र 1 सीट के अंदर ही हिमाचल प्रदेश में सिमट जाएगी। और वहीं दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 से 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पर 1 से 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, और वहीं पीडीपी के खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि सभी पार्टियों के यहाँ पर लगभग बराबर सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी सभी पार्टियों का यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रचार किया जा रहा है और काफ़ी अच्छी सीटें सभी पार्टियां यहां पर हासिल कर रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 11 से 12 सीटें जाएंगी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 1 से 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जेवीएम के खाते में यहाँ पर 0 सीट आएगी, यानी जेवीएम का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा। और यहीं झारखंड की बात करते हैं तो दोस्तों बीजेपी को जो है काफ़ी बड़ा फायदा झारखंड में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों सभी राज्यों में बीजेपी जो है काफ़ी अच्छी सीटें कवर कर रही हैं, वहीं झारखंड में कांग्रेस जो है वो 1 से 2 सीटों के अंदर ही सिमटती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 20 से 22 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 5 से 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों कर्नाटक में भी कांग्रेस को जो है काफ़ी कम सीटें नसीब होने वाली हैं, वहीं बीजेपी का जो है कर्नाटक में काफ़ी अच्छी सीटें कवर करने वाली है, क्योंकि 28 में से 20 से 22 सीटें जो हैं वो बीजेपी कवर करेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं केरल राज्य के, तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं जिसमें 20 सीटों का सर्वे क्या कह रहा है, तो दोस्तों बीजेपी के खाते में यहां पर मात्र 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर 11 से 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एलडीएफ के खाते में यहां पर 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, केरल राज्य में जो है बीजेपी को काफ़ी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केरल में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। वहीं कांग्रेस जो है काफ़ी बड़ी पार्टी के रूप में केरल में उभर कर आ सकती है, क्योंकि केरल में 11 से 12 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रहे हैं। वहीं एलडीएफ भी यहां पर 3 से 5 सीटें जो है कवर करती हुई नजर आ रही है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 24 से 25 सीटें जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, और वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने बाजी मार ली है, क्योंकि 29 में से 24 से 25 सीटें जो हैं बीजेपी को मिलेगी, वहीं कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में यहां पर 40 से 42 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस के खाते में यहां पर 6 से 8 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी का गठबंधन है तथा शिवसेना के साथ, तो बीजेपी और शिवसेना को यहाँ पर 40 से 42 सीटों का मिलने का अनुमान है, और वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 6 से 8 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी का बहुमत है आपके क्षेत्र में, दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं जो कि दोनों ही बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और कांग्रेस का यहां पर मणिपुर में कोई सीट हासिल नहीं होगी, यानी खाता भी नहीं खुलेगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में 1 लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 लोकसभा की सीट मेघालय में है जो कि बीजेपी के खाते में जाएगी, जबकि कांग्रेस के यहाँ पर भी 0 सीट नसीब होने वाली है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी को मिलेगी, यानी कांग्रेस को
यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में भी एक लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाने की बात कही जा रही है। अनुमान के हिसाब से नागालैंड की जो एक सीट है वो बीजेपी के खाते में जाएगी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर कोई सीट नसीब नहीं होगी। और वहीं दोस्तों उड़ीसा की बात करते हैं तो दोस्तों उड़ीसा के 21 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें बीजेपी के खाते में 10 से 11 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, 21 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिलेगी उड़ीसा में, यानी उड़ीसा में भी कांग्रेस को जो है बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेडी की बात करते हैं तो बीजेडी को यहां पर 9 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि यहां पर जो कड़ी टक्कर है दोस्तों वो है बीजेपी और बीजेडी के अंदर कड़ी टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि लगभग 10 से 11 सीटें और बीजेडी जो है 9 से 10 सीटें कवर करने वाली है। और वहीं उड़ीसा में जो कांग्रेस को काफ़ी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पंजाब में तो पंजाब की 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 से 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में जो 3 से 4 सीटें जाने का बात कही जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि आपके खाते में यहाँ पर एक सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर 6 से 8 सीटें यानी सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगी, वहीं कांग्रेस जो है दूसरे स्थान पर रहेगी 3 से 4 सीटों के अंदर, वहीं आपको यहाँ पर एक सीट मिलेगी। और दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 22 से 24 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस के खाते में मात्र एक सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, और राजस्थान में फिलहाल सरकार भी कांग्रेस की बनी हुई है, यानी वहाँ पर मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के, फिर भी यहाँ पर बीजेपी के खाते में ही सारी सीटें जाने का अनुमान सट्टाबाजार के हिसाब से लगाया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस को यहाँ पर मात्र एक सीट मिलने का अनुमान है राजस्थान में। बात करते हैं दोस्तों सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम में एक लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाएगी, यानी कांग्रेस के खाते में सिक्किम में कोई भी सीट हासिल नहीं होगी। वहीं तमिलनाडु की बात करते हैं तो दोस्तों तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 20 से 22 सीटें जाएंगी, तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के मध्य कड़ी टक्कर है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को अच्छी खासी सीटें जो है वो मिल रही हैं, यानी बीजेपी को तो यहाँ पर 20 से 22 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस भी यहाँ पर कम नहीं है, उसे भी यहाँ पर 16 से 18 सीटें मिल रही है। तो दोस्तों तमिलनाडु में दोनों ही पार्टियों के मध्य कड़ी टक्कर है। दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किस चेहरे को देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। वहीं दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना पर 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस का यहां पर एक भी सीट नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का तेलंगाना में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। और वहीं टीआरएस के खाते में यहां पर 10 से 12 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी यहां पर जो दोस्तों बीजेपी को दूसरे नंबर पर रहेगी जो कि 4 से 5 सीटें कवर करेगी। और वहीं बात करते हैं टीआरएस यहां पर सबसे ज़्यादा सीटें जो तेलंगाना में हासिल करने वाली है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में दो सीटें हैं लोकसभा की, और इसका सर्वे कर रहा है कि दोनों ही सीटें जो हम बीजेपी के खाते में जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, देश का बहुत ही बड़ा सर्वे हम आपके लिए लेकर आए हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, और इनका सर्वे और समीकरण क्या कह रहा है, तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 62 से 65 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीट मिलेगी, और वहीं एसपी को 15 से 16 सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सीटें मिलेंगी वो बीजेपी के खाते में, यानी 65 के आसपास जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट होने के बावजूद भी यहां पर सबसे कम सीट उसे कवर हो रही है, यानी 1 से 2 सीटें उत्तर प्रदेश में मात्र कांग्रेस को मिल रही है। वहीं एसपी भी यहां पर 15 से 16 सीटें जीतने का अनुमान लगा रही है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 से 5 सीटें, यानी 5 की 5 सीटें जो उत्तराखंड की हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा उत्तराखंड में भी। जी हां दोस्तों, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का जो है वो खाता भी नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, तथा जिसमें से बीजेपी के खाते में 25 से 26 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस का यहां पर भी खाता नहीं खुलेगा। वहीं टीएमसी के यहां पर 15 से 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं उस सीटों में से जो है बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें जो 25 से 26 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट, यानी पश्चिम बंगाल में 42 सीट होने के बावजूद भी कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, और टीएमसी के खाते में यहाँ पर 15 से 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं अंडमान निकोबार के, तो एक सीट है अंडमान निकोबार में, जो कि एक सीट यहां पर वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में भी यहां पर एक सीट है वो बीजेपी के खाते में जाएगी, यानी कांग्रेस को यहां पर भी कोई सीट नहीं मिलेगी। और दोस्तों बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में एक लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान सट्टाबाजार के हिसाब से लगाया जा रहा है, यानी कांग्रेस को यहां पर कोई सीट नहीं मिलेगी। वहीं बात करते हैं दादरा नगर हवेली की, तो एक लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाएगी।
वहीं दोस्तों बात करते हैं दमन द्वीप की, तो दमन द्वीप में भी एक लोकसभा की सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तथा दिल्ली के, तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं जो कि 7 लोकसभा की सीटें और सातों के सातों जो है वो बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी दिल्ली में जो है कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी और वहीं आम आदमी पार्टी को भी जो कांग्रेस जो दिल्ली में है वो 0 सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और आपको जो दिल्ली में है जो सबसे बड़ा झटका लगेगा, यानी यहाँ पर कोई भी सीट इन्हें नहीं मिलेगी। और दोस्तों बात कर लेते हैं तथा कुल 543 सीटों के सर्वे के समीकरण के, तो कुल 543 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए को 320 से 360 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूपीए को यहाँ पर 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में यहाँ पर 60 से 100 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था 543 सीटों का समीकरण जो कि आपको बिल्कुल सटीक सर्वे हमने दिखाया। आपको इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है, आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सअप पर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आगे आने वाले सर्वे की जानकारी जो है वो मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।